स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ईडी। कहता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। देखो एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग से भी पहले तीन वर्ड आते हैं, एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एंटरप्राइजेस क्या है। देखो बेटा एंटरप्रेन्योर इज दैट पर्सन हु वॉन्ट टू सेट अप ए बिजनेस। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो बिजनेस को सेटअप करना चाहता है, जिसको हम बिजनेस मैन बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस मैन बोथ विल बी द सेम। ओके तो एंटरप्रेन्योर मीन दैट पर्सन हु वांट टू सेटअप ए बिजनेस, दैट पर्सन इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर या बिजनेस मैन। सेकेंड आता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। कहता है एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस। ठीक है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम एक बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस वी वांट टू सेटअप ए बिजनेस। और उसके बाद आता है एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइजेज मीन्स द आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस को फुलफिल करने के बाद जो आउटकम हमारा आता है, जो रिजल्ट हमारा आता है, उस रिजल्ट को क्या बोला जाता है, एंटरप्राइजेज। और अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को बताऊं तो एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बिजनेस मैन होता है, एंटरप्राइजेज जो होता है वो बिजनेस होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को सेटअप करने की प्रोसेस होती है। समझ आ गया, लेकिन वर्ड्स क्या है अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप बता रही हूँ तो पता नहीं कोई डिफरेंट, कोई कुछ अलग है, नहीं सब कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एंटरप्राइजेज वर्ड बार बार यूज होता है हमारे उसमें सिलेबस में, तो इसका मतलब होता है ये एक ही बिजनेस है। जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली एक आउटकम आता है, एक रिजल्ट आता है, रिजल्ट का एक बिजनेस सेटअप हो जाता है, और उस बिजनेस को ही हमने क्या बोला, एंटरप्राइजेज बोला। तो एंटरप्रेन्योर मीन्स दैट पर्सन हु वांट टू सेटअप ए बिजनेस, दैट पर्सन इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस वी वांट टू सेटअप ए बिजनेस यूनिट, एंड द आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड द एंटरप्राइजेज। तो अब हमारे जो तीनों का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया, तो आप लोगों को एक डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट यू मीन बाय द एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका आएगा वो यही आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है एक प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस वी क्रिएट ए बिजनेस यूनिट टू अर्न प्रॉफिट अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। कि जो एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम एक बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। आप लोगों को ये बात भी बड़े अच्छे से पता है कि रिस्क और प्रॉफिट दोनों एक ही सिक्के की टू साइड्स होती है। अगर रिस्क है तो ही प्रॉफिट होगा, इट मीन्स इफ यू बियर मोर रिस्क देन यू अर्न मोर प्रॉफिट। तो इसका मतलब होता है रिस्क और अनसर्टेनिटी की कंडीशंस में एक बिजनेस को सेटअप करने की जो प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या अर्न करना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, उस पूरी प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप। एक बार प्लीज इस डेफिनेशन को सभी बच्चे अपने नोट डाउन कर ले, अपनी बुक में ही जहां पर भी प्लेस है उसको नोट डाउन करें, एक बार एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन नोट डाउन करें सारे बच्चे। लिखो इट रेफर टू द प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में लिखे इट रेफर्स टू द प्रोसेस, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए बिजनेस यूनिट। सबसे स्टार्टिंग में आप एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन लिख ले, जहां से आपका एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक स्टार्ट होता है वहीं से ही। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए बिजनेस यूनिट टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट अंडर द कंडीशंस ऑफ, अंडर द कंडीशंस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। डेफिनेशन सबने मेंशन कर ली। अब देखो सबसे पहले आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग समझ आ गया, उससे रिलेटेड जो तीन वर्ड है एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन, एंटरप्राइजिंग बिजनेस, और बिजनेस को सेटअप करने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप। सबको क्लियर अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्या फीचर्स है। फीचर्स में फर्स्ट आता है कि सिस्टमैटिक एक्टिविटी है,
कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है बेटा। सिस्टमैटिक का मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। सबको समझ आ गया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी नहीं है, कि जो नोट प्लान यानी हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो वेल प्लान होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड करते हैं किस टाइम कौन सा काम कब कैसे और कहाँ करना है। वेल प्लान ऑल ओवर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है और प्रॉपर लॉ को फॉलो करते हुए एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी। कि जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी नहीं है, एक नॉट प्लान एक्टिविटी नहीं है। इसमें हर स्टेप को हम क्या करते हैं, पहले वेल प्लान करते हैं कि कौन सा स्टेप किस टाइम में कौन से कितने कौन करेगा या किसके द्वारा किया जाएगा, ये सबसे पहले हम ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं। और साथ ही साथ हर लॉ को भी हम इसमें फॉलो करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी। कहता है एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी, दिस इज ए सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, बिकॉज इन एंटरप्रेन्योरशिप वी फॉलो ऑल स्टेप्स वन बाई वन फॉर अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस। वन नीड स्पेशल नॉलेज टू कंप्लीट ऑल एक्टिविटी इन ए डिसिप्लिन मैनर। जो पर्सन भी इन ऑल ओवर एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, कहता है उस पर्सन के पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और डिसिप्लिन मैनर में वो अपने सारे वर्क को परफॉर्म करे। और ये नॉलेज वो स्पेशल ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन या अपने एक्सपीरियंस से क्या करता है, हायर करता है, और उस नॉलेज के बिहार पर वो अपनी ऑल ओवर एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, परफॉर्म करता है। सो वी कैन से दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज ए सिस्टमैटिक एक्टिविटी। और आपको एक मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सिस्टमैटिक का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में हर काम स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन वे में और सिस्टमैटिक तरीके से परफॉर्म किया जाता है, वेल प्लान तरीके से हर काम किया जाता है, इसलिए इसको सिस्टमैटिक एक्टिविटी कहा जाता है। सेकेंड आता है लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, कि एंटरप्रेन्योरशिप में वही काम किए जाते हैं जो लॉफुल हो। लॉफुल का मतलब जो लीगल होते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे आपका वो एक क्वेश्चन आया था ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस बाय यूजिंग हुक और क्रूक मेथड, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप में आप उन्हीं एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं जो एक्टिविटी क्या है, लॉफुल है, ठीक है। लॉफुल का मतलब जिसमें हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम प्रॉपर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ओनली लीगल एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है, और वो लीगल एक्टिविटी भी जिसको गवर्नमेंट क्या करती है, कंसीडर करती है कि भाई जैसे मान लो आप अडल्ट्रेशन करते हो या कस्टमर्स को डिससेटिस्फाई हो या कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स अवेलेबल नहीं कराते, हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो, होर्डिंग्स कर देते हो गुड्स की, और गुड्स की होर्डिंग करने के बाद मार्केट में स्कार्सिटी शो हो जाती है, लेकिन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से फिर बाद में आप गुड्स सप्लाई करते हो हाई प्राइस पर, तो ये सारी की सारी इलीगल एक्टिविटी है। लेकिन कहता है एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ लीगल एक्टिविटी को ही हम इंक्लूड करते हैं, इलीगल कोई एक्टिविटी इसमें इंक्लूड नहीं होती। लिखा हुआ इसमें कि द एंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, देयरफॉर एनी इलीगल एक्टिविटी कैन नॉट बी कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप सिंपली बिकॉज इट इन्वॉल्व रिस्क। ऑन द अदर हैंड एंटरप्रेन्योरशिप एम एट प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द बायर्स। एंटरप्रेन्योरशिप में हम बायर्स को क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रॉपर रिटर्न्स देना चाहते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर्स जो होता है उसको हम प्रॉफिट देना चाहते हैं। कहने का मतलब होता है कि इसमें ऑल ओवर लीगल एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है, इलीगल टाइप की कोई एक्टिविटी एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्लूड नहीं होती। थर्ड पॉइंट आता है आपका इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है टू डू समथिंग न्यू, कुछ डिफरेंट करना, कुछ नया इनोवेट करना। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ आविष्कार करना, तो इसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप में जो एंटरप्रेन्योर होता है इज आल्सो ट्राइंग टू डिस्कवर न्यू मेथड्स, ठीक है, न्यू आइडियाज या फिर न्यू टेक्निक। हर टाइम एक एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए कोई नया मेथड, कोई नया आइडिया, कोई नई टेक्निक डेवलप करना चाहता है। क्यों डेवलप करना चाहता है, क्योंकि हम एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट डे टू डे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वही एंटरप्रेन्योर्स वही बिजनेसमैन अपने आप को सर्वाइव कर सकता है जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यानी एनवायरनमेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग नए मेथड्स, नई टेक्निक्स, नए आइडिया को अपने माइंड में क्या कर रहा है, इनोवेट कर रहा है,
ठीक है, तो वो अपने बिजनेस को सर्वाइव कर रहा है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि यहाँ ऑलवेज एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो नए नए मेथड, नए नए आइडिया, नए नए टेक्निक क्या करता रहता है, डेवलप करता रहता है अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड और ग्रोथ करने के लिए। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन को भी इंक्लूड किया जाता है, नई नई डिस्कवरी इसके अंदर आती है। लिखा हुआ है इनोवेशन मीन्स डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया करना, वही इनोवेशन होता है। अंडर एंटरप्रेन्योरशिप न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्रिएटेड। कहता है एंटरप्रेन्योरशिप में आप प्रोडक्शन करने के नए मेथड्स आप इनोवेट करते हो, क्योंकि आपका प्रोडक्शन करने के दो मेथड है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव में भी तो वेरियस टाइप की टेक्निक्स आती है। आपकी टेक्निक देखो, जैसे ही मार्केट में एक नई टेक्निक आती है तो पुरानी वाली क्या हो जाती है, ऑब्सोलेट हो जाती है। अब बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए क्या करेगा, नई वाली अडॉप्ट करेगा। तो इसलिए वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स अडॉप्ट करना चाहता है कौन, एक एंटरप्रेन्योर। कहता है एन एंटरप्रेन्योर परफॉर्म ए जॉब इन ए न्यू एंड इंप्रूव वे सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस एंड इनकम दैट इंक्रीज। एन एंटरप्रेन्योर एक्सप्लोर दोज पॉसिबिलिटी विच रिमेन अननोटिस बाई अदर्स और इग्नोर्ड बाई अदर्स। An entrepreneur enter the market with new technique, new products, new raw material, new marketing methods. All these are the examples of innovation. आपको simply बताना है कि in innovation means to do something new. In entrepreneurship we also include innovation. Innovation में every entrepreneur is also want to grow and survive in the market. ठीक है, फॉर बिजनेस की ग्रो के लिए वो क्या करता है, नए नए मेथड्स, नई नई टेक्निक्स, नए नए आइडियाज, नए रॉ मटेरियल, कुछ डिफरेंट वो अपने बिजनेस में क्या करना चाहता है, इनोवेट करना चाहता है। क्योंकि इनोवेट करेगा तो ही उसका बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा और कंपटीशन में क्या रहेगा, सर्वाइव करेगा। तो इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में हम इनोवेशंस को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है ना वो ऑर्गेनाइज मैनर में हो रहा है। ऑर्गेनाइज मैनर का मतलब सिस्टमेटिक वे से यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। कहता है एंटरप्राइजेज जो होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। इन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। लेकिन कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सिस्टमेटिक मैनर से। ठीक है, एक प्लान मैनर से वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। आप सोचते हैं मैडम सिस्टमेटिक कैसे गुड्स प्रोड्यूस होती है, हम ये नहीं कि जो हमारे मन में आया वही गुड्स हमने प्रोड्यूस कर दी, नहीं। ये तो गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले मार्केट की सर्वे करो, रिसर्च करो मार्केट की, व्हाट इज द नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स, कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। आफ्टर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स वी प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू द नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स। ये नहीं है कि जो मैंने चाहा वो गुड्स मैंने बना दी और कस्टमर्स को अवेलेबल करा दी, नहीं। कहता है आप ऑर्गेनाइज मैनर में गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि भाई एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हो, गुड्स का प्रोडक्शन करके आप कस्टमर्स को अवेलेबल कराते हो। लेकिन कहता है गुड्स का प्रोडक्शन भी ऑर्गेनाइज मैनर में ही किया जाएगा। ऑर्गेनाइज मैनर का मतलब सिस्टमैटिक मैनर को फॉलो करते हुए गुड्स प्रोड्यूस करोगे, इट मीन्स वो गुड्स प्रोड्यूस करोगे जो कस्टमर डिमांड कर रहा है। तो गुड्स का प्रोडक्शन करने से पहले आप कस्टमर की नीड एंड वांट की कलेक्ट करो, कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, और कस्टमर जो डिमांड करता है वो गुड्स आप क्या करो, प्रोड्यूस करो, और प्रोड्यूस करके उनको क्या करो, अवेलेबल कराओ, ताकि कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो इसका मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप में गुड्स का प्रोडक्शन भी ऑर्गेनाइज मैनर में किया जाता है। ऑर्गेनाइज मैनर का मतलब सिस्टमैटिक वे से गुड्स प्रोड्यूस की जाती है, ताकि मोर एंड मोर कस्टमर्स की नीड एंड वांट क्या हो, सेटिस्फाई हो। सिर्फ अपना प्रॉफिट ही नहीं देखा जाता बल्कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी यहाँ कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आता है रिस्क टेकिंग, कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क एलिमेंट भी अवेलेबल होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क एलिमेंट भी अवेलेबल होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा वहां पर मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है उस प्रोजेक्ट से हमें प्रॉफिट अर्न हो, समटाइम्स वी फेस ए लॉस। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में जहाँ हम बिजनेस को सेटअप करना चाह रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और हम श्योर भी होते हैं प्रॉफिट कमाएं, लेकिन कहता कोई श्योरिटी नहीं है कि ऑलवेज आप प्रॉफिट ही अर्न करो, सम टाइम
अगर मान लो अनसर्टेनिटी की वजह से या कंडीशन रिवर्स हो जाती है तो उस केस में हमें क्या फेस करना पड़ता है, लॉस फेस करना पड़ता है। सेकेंडली, जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पेमेंट तब मिलती है जब हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। और कई बार प्रोजेक्ट हमारा फेल भी हो जाता है तो हमारी पेमेंट भी क्या हो जाती है, पेंडिंग हो जाती है, तो भी हमें क्या बियर करना पड़ता है, लॉस। तो इसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क एलिमेंट अवेलेबल होता है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि यू ऑलवेज अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस को सेटअप करना चाह रहे हैं, एक नए प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कई बार प्रॉफिट के साथ साथ कंडीशन रिवर्स हो जाती है, मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाती है, एनी अदर चेंज अराइज हो जाता है, उसकी वजह से हम क्या बियर करते हैं, लॉस भी बियर करते हैं। या फिर भी गारंटी होती है कि हर हाल में हम प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा तो श्योर नहीं है। हमारी इच्छा तो है, हम जब भी कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि हम क्या करेंगे प्रॉफिट, लेकिन कहते हैं कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए इसमें रिस्क एलिमेंट क्या होता है, अवेलेबल। रिस्क का मतलब समझ आता है, या लॉस होने की भी पॉसिबिलिटी है। ये हेडिंग्स हेडिंग्स आप अपनी बुक में लिखेंगे, लिखेंगे नहीं बस, बाकी वैसे मैं फोटोकॉपी करा के दूंगी, लेकिन हेडिंग्स लिखेंगे फीचर्स के, फीचर्स के हेडिंग सभी बच्चे एक बार लिखें। सिस्टमैटिक एक्टिविटी, ठीक है, सिस्टमैटिक का मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लॉफुल एंड पर्पजफुल, इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और रिस्क टेकिंग, एक बार आप अपने फीचर्स लिखो, क्योंकि आपकी बुक में फीचर्स मेंशन नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। भाई एंटरप्रेन्योरशिप की क्या जरूरत है, व्हाई वी वांट टू सेट अप मोर एंड मोर बिजनेस, व्हाई वी वांट टू सेट अप मोर एंड मोर बिजनेस, और हमारी गवर्नमेंट भी क्यों चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस सेटअप करें, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था गवर्नमेंट सपोर्ट करती है रूरल और बैकवर्ड एरिया में स्मॉल बिजनेस ओपन करने के लिए, बहुत सारी इंसेंटिव देती है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किए गए, और उन इंस्टीट्यूशन का मेन मोटिव भी क्या है, कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन को सपोर्ट करना कि वो ज्यादा से ज्यादा नए नए बिजनेस क्या करे, सेटअप करे। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप की भी क्यों जरूरत है, कि हम व्हाई वी वांट टू सेट अप मोर एंड मोर बिजनेस, व्हाट्स द पर्पज बिहाइंड फॉर दिस। तो वो पर्पज आपके हैं, कहता लाइफ लाइन ऑफ नेशन, कहता जो एंटरप्राइजी जो होती है वो किसी नेशन की लाइफ लाइन है। एक नेशन तभी मोर एंड मोर ग्रोथ करेगा जब उस नेशन में मोर एंड मोर इंडस्ट्री होगी, मोर एंड मोर एंटरप्राइजेज होंगी, तो डेफिनेटली वो नेशन भी मोर ग्रोथ करेगा। आज यूएस, यूके और बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वो इतने ज्यादा ग्रोथ क्यों कर पाई है, क्योंकि वहां पर मोर एंड मोर बिजनेस सेटअप किए गए, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस सेटअप किए गए, तो डेफिनेटली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हुआ, और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई होने से वो कंट्री भी क्या करा, ग्रोथ करा। तो कहीं ना कहीं हम इसलिए ज्यादा से ज्यादा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं क्योंकि एक नेशन की लाइफ लाइन है क्या, बिजनेस, बिजनेस का मतलब एंटरप्राइजेस। सो वी वॉन्ट टू सेटअप मोर एंड मोर एंटरप्राइजेज इन अवर कंट्री बिकॉज वी वॉन्ट टू ग्रोथ अवर नेशन, क्योंकि हम अपने नेशन की ग्रोथ करना चाहते हैं, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से नॉर्मल पूछती हूँ, क्या बिजनेस को सेटअप करने से ज्यादा ग्रोथ होती है, या हम लोग जॉब करेंगे जब ज्यादा ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा, भाई बिजनेस ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि बिजनेस है तो एम्प्लॉयमेंट है, अगर बिजनेस ही नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। आप बड़ी बड़ी हायर डिग्री ले लेते हो, अच्छी अच्छी एजुकेशन ले लेते हो, लेकिन उसके बाद अगर हमारे यहाँ पर एंटरप्राइजेज ही नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो एक नेशन की लाइफ लाइन है, और आपकी बुक में लिखा हुआ है, सारे बच्चे प्लीज एक बार बुक से देखे, कहता है एंटरप्रेन्योरशिप इज ए यार्ड स्टिक टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, एज नो कंट्री कैन प्रॉस्पर एंड ग्रो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप आज तक कोई कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाई है, ठीक है। जो आपकी यूएस, यूके और अदर डेवलप्ड कंट्री है, देर आर वेल डेवलप्ड एंड वेल एस्टैब्लिश एंटरप्राइजेज है उनके पास, जिसकी वजह से वो डेवलप हुई है। सो एवरी नेशन ट्राई टू इंक्रीज इट्स ट्रेड बाय हैविंग मोर एंटरप्राइजेज, इसलिए हर जो एंटरप्राइजेज है वो अपने
ट्रेड को इंक्रीज करना चाहता है ताकि उसका नेशन क्या हो, डेवलप हो। सो हम ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइजेस सेटअप करना चाहते हैं सिर्फ अपने नेशन की ग्रोथ करने के लिए, अपनी कंट्री की ग्रोथ करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड कहता है प्रोवाइड इनोवेशन। अच्छा एक बात बताओ भाई, हम क्यों ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइजेस सेटअप करना चाहते हैं? क्योंकि जितना एंटरप्राइजेस सेटअप करोगे तो डेफिनेटली उतने ही न्यू इनोवेशन होंगे। क्योंकि अगर आप बिजनेस सेटअप करना चाहेंगे तो बिजनेस में आपको पता है आए दिन नई लेटेस्ट टेक्निक, नए मेथड्स, ठीक है, और नए तरीके हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, न्यू आइडिया हम अपने माइंड में जनरेट करते हैं। जब नए नए इनोवेशन होंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली कंट्री भी डेवलप होगी और साथ ही साथ हमारा माइंड भी क्रिएटिव बनेगा। तो इसमें कहता है कि हम ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप की इसलिए ज्यादा जरूरत है क्योंकि एंटरप्राइजेस की वजह से हमारी कंट्री में नए नए इनोवेशन होते हैं। विदाउट एंटरप्राइजेज आप कुछ नया इनोवेट नहीं कर पाओगे, आपका माइंड भी इतना क्रिएटिव नहीं बन पाएगा, नई टेक्निक, नए मेथड और नए आइडिया आप जनरेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइजेस सेटअप करना चाहते हैं क्योंकि मोर एंटरप्राइजेज मीन्स मोर इनोवेशन इन अवर कंट्री। क्योंकि ज्यादा बिजनेस सेटअप होगा तो डेफिनेटली उतना इनोवेशन कंट्री में क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, एंटरप्राइजेस सेटअप करना, यानी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं। प्लीज सी योर बुक एक बार देखें, प्रोवाइड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर। जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर हु ट्राइज न्यू मेथड फॉर प्रोडक्शन। जो एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा नए नए मेथड ट्राई करता रहता है गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वे ऑफ मार्केटिंग एक्सेट्रा, ही डेवलप न्यू बिजनेस आइडियाज एंड पुट देम इनटू एक्शन टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो एंटरप्रेन्योर है वो डेली कुछ नई नई मेथड्स आइडेंटिफाई करता रहता है, चाहे टेक्निक का करे, चाहे मार्केटिंग मेथड्स करे, चाहे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे एडवर्टीजमेंट का करे, लेकिन डेली नए नए मेथड्स वो अपने माइंड में इनोवेट करता रहता है ताकि उसका बिजनेस क्या करे, ग्रोथ करे। इसलिए हम मोर एंड मोर एंटरप्राइजेस सेटअप करना चाहते हैं ताकि इनोवेशंस कंट्री में क्या हो, ज्यादा हो। तीसरा पॉइंट इसने बता रखा है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अच्छा एक बात सिंपल सी, आप लोग प्लीज आप लोग सभी अपना व्यू देना कि एंटरप्राइजेस सेटअप होने से हम अपने बिजनेस में नई नई टेक्निक डेवलप करते हैं, नए मेथड्स डेवलप करते हैं, ठीक है, अच्छे एम्प्लॉय हम हायर करते हैं, तो क्या बिजनेस की ग्रोथ से इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है? क्या हम लोग जो अपनी सैलरी ले रहे हैं तो वो सैलरी, हम मुझे सैलरी मिल रही है, क्या उस सैलरी से भी इकोनॉमी ग्रो कर रही है? यस, उस सैलरी से भी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। ये नहीं कि हम अपने लिए, क्योंकि हम उस पैसे को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो पैसे को लिया और उसको लॉकर में डाल के रख दिया और उस पैसे को कहीं रीयूज नहीं कर रहा है। हम उस पैसे को कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं। तो हम जब खर्च कर रहे हैं तो अदर पर्सन की क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। अगर हमने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो हमारी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, हमारी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। और अगर हमने उस इनकम को कहीं एक्सपेंड किया यानी कहीं खर्च करा तो किसी अदर पर्सन की इनकम जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बिजनेस, अगर एंटरप्राइजेज हम सेटअप करते हैं और एंटरप्राइजेज अगर ग्रो करेगी तो उससे डेफिनेटली मेरी इकोनॉमी भी क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो कहता है इसलिए हम मोर एंड मोर एंटरप्राइजेस सेटअप करना चाहते हैं बिकॉज मोर एंड मोर एंटरप्राइजेस सेटअप करने से इकोनॉमी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। क्योंकि एक एंटरप्राइजेज का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, मोर एंड मोर रिसोर्सेज एक्वायर करके उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, कॉस्ट को कम करना है, और इन सबसे बिजनेस की ग्रोथ होगी। बिजनेस की ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी। कभी मत ये बात अपने माइंड में बड़े अच्छे से सेट कर लेना, चाहे अगर एक एम्प्लॉय की ग्रोथ हो रही है, चाहे एक बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, तो उसके साथ डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगर एक बिजनेस को लॉस हो रहा है, अगर एक एम्प्लॉय की जॉब जा रही है, तो उससे हमारी इकोनॉमी का भी लॉस हो रहा है क्योंकि वो पर्सन के पास अर्निंग नहीं आती तो उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म हो जाता है या लॉस हो जाता है, तो इकोनॉमी को भी उतना ही लॉस होता है। तो हमारी ग्रोथ से ही इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। देखो एक बात कहता है, एंटरप्रेन्योर्स अडॉप्ट टू चेंज एज चेंज टेक प्लेस इन एनवायरमेंट। कहता है जो एक एंटरप्रेन्योर है वो एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में भी चेंज क्या करता है, अडॉप्ट करता है। एनवायरमेंटल चेंज का मतलब भाई एनवायरमेंट में जैसा चेंज आया, जैसे गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी या एनवायरमेंट में अचानक टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया उस चेंज के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन अपने बिजनेस में भी टेक्निक क्या करेगा, चेंज करेगा। या ऐसा तो है नहीं कि भाई न्यू टेक्निक आ गई है और बिजनेसमैन आज भी ओल्ड टेक्निक से ही प्रोडक्शन कर रहा है,
क्योंकि ओल्ड टेक्निक से प्रोडक्शन करेगा तो गुड्स की डिमांड ही नहीं रहेगी, और डिमांड नहीं रहेगी तो डेफिनेटली आप सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसका मतलब एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग एक एंटरप्रेन्योर ऑलवेज अपने बिजनेस में क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। द चेंज अडॉप्टेड बाई एंटरप्रेन्योर्स इन एंटरप्राइजेज इवन ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। और कहते हैं जब हम अपने बिजनेस में एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो इससे हमारी सोसाइटी में भी चेंज हो जाता है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज बाय द एंटरप्राइजेज नॉट ओनली ब्रिंग ग्रोथ इन एंटरप्राइजेज बट इट आल्सो ब्रिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एट लार्ज। क्योंकि एनवायरमेंटल में चेंज आया टेक्निक का, और उस एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग मैंने नई टेक्निक अपने बिजनेस में अडॉप्ट की, और जब मैंने अपने बिजनेस में नई टेक्निक अडॉप्ट की तो मेरी इकोनॉमी की भी ग्रोथ हुई। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में चेंज आया, हमें ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो उस नई टेक्निक के अकॉर्डिंग काम कर सके, समझ आ गया? तो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज की डिमांड बढ़ गई, उनकी सैलरी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। क्योंकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो इकोनॉमी भी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। क्योंकि एक बात बताओ, पहले हमारे इंडिया में है ना कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, और जब बाहर वाली टेक्निक इंडिया में आने लगेगी तो इंडिया की भी ग्रोथ होगी ना, क्योंकि वैसी टेक्निक से धीरे धीरे हम खुद भी हो सकता है डेवलप करने लग जाए, उससे अच्छी करने लग जाए। तो इसे कहते हैं कि अपने बिजनेस में अगर हम कोई नई लेटेस्ट टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, उससे हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो रही है। और उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज प्रॉफिट। कहता है बेटा वी वांट टू सेट अप मोर एंड मोर एंटरप्राइजेज इन आवर कंट्री बिकॉज इन दिस वे द प्रॉफिट ऑफ आवर कंट्री इज आल्सो इंक्रीज। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए एंटरप्राइजेज सेटअप करना चाहते हैं क्योंकि इससे प्रॉफिट बढ़ता है। बिकॉज एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ट्राई करता रहता है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किए और कॉस्ट को मिनिमाइज करें। जो एंटरप्रेन्योर है ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जब कॉस्ट रिड्यूस होगी, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, बिजनेस को प्रॉफिट होगा। और बेटा प्रॉफिट होगा, बिजनेस का प्रॉफिट होगा तो इकोनॉमी को भी क्या होगा, प्रॉफिट। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस या ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइजेस सेटअप करना चाहते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट क्या हो, इंक्रीज। प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हम ये सेटअप करना चाहते हैं। देखो एक बात, एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज कॉस्ट। एक एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा कॉस्ट को क्या करना चाह रहा है, मिनिमाइज करना चाहता है, ठीक है। और कहता है 11C1 and 6, उसके बाद कहता है ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज कॉस्ट, यू ऑलवेज ट्राई टू गेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो हमेशा अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहता है। कहता था रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रॉफिट। क्योंकि जब कॉस्ट कम आएगी, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो डेफिनेटली बिजनेस क्या अर्न करेगा, प्रॉफिट। सो हम ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइजेस सेटअप करना चाहते हैं ताकि प्रॉफिट इंक्रीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये तो मेरे हिसाब से आप लोगों को खुद भी आता होगा कि व्हाई वी वांट टू सेट अप मोर एंड मोर एंटरप्राइजेस, बिकॉज इफ वी सेट अप मोर एंड मोर एंटरप्राइजेस, ठीक है, तो बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बिजनेस सेटअप करने से एक एंटरप्रेन्योर को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, बल्कि वो एंटरप्रेन्योर आसपास की लोकलिटी के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है उनके लिए। उनको जनरेट ही नहीं करता, उनको एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल भी करता है। इसलिए हम एम्प्लॉयमेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे या अनएम्प्लॉय की कैटेगरी में ना आए, इसलिए हम मोर एंड मोर बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं। एक बात बताओ, अगर एक एंटरप्रेन्योर है वो किसी सोसाइटी में एंटरप्राइजेस सेटअप करना चाह रहा है तो उस एंटरप्रेन्योर को तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी एंटरप्राइजेस के थ्रू बहुत सारे लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सोसाइटी के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा तो इसका मतलब सोसाइटी के लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं ताकि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड ना रहे, बेरोजगार ना रहे, सब लोगों को रोजगार मिले। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस क्या करना चाह रहे हैं, सेटअप करना चाह रहे। एक बार देखो, कहता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली प्रोवाइड द स्कोप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कहता है एंटरप्रेन्योरशिप से सिर्फ एक बिजनेस मैन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है बट आल्सो ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज इन द केस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्राइजेज। क्योंकि जब हमारा एंटरप्राइजेस सक्सेस हो जाता है तो आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रॉफिट। क्योंकि
सॉरी ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेज ग्रोथ इन एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी लीड्स टू मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट. जितना आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा उतनी मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. आप लोगों को पता है अगर आपके स्कूल यहाँ पे सेटअप हुआ है, ठीक है, तो जिस बंदे ने सेटअप किया है तो डेफिनेटली उसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं, उनको एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है. तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं. तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक बिजनेस हमें. एक होता है सोशल बेनिफिट्स. अच्छा एक बात बताओ, क्या एंटरप्राइजेज हम इसलिए भी सेटअप करना चाहते हैं क्योंकि जिस सोसाइटी में एंटरप्राइजेज सेटअप करेंगे डेफिनेटली वो एंटरप्राइजेज उस सोसाइटी के लिए वेरियस टाइप के सोशल बेनिफिट्स भी अवेलेबल कराएगा और साथ ही साथ वो सोसाइटी भी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी. क्योंकि मैंने आपको लोगों को बताया था बेटा, आज से पहले भिवाड़ी का जो सिचुएशन थी वो एक बैकवर्ड एरिया में काउंट होती थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री वहां आ गई तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, फ्लैट्स बन गए, बैंकिंग की फैसिलिटी आ गई, रोड की फैसिलिटी आ गई, मॉल्स आ गए, शॉपिंग कॉम्प, मतलब सब चीजों की फैसिलिटी वहां आ गई. तो धीरे धीरे वो एरिया क्या हो गया, डेवलप हो गया. किसकी वजह से डेवलप हुआ, इंडस्ट्री की वहां आने की वजह से. सेम यही है कि हम एंटरप्राइजेज इसलिए भी ज्यादा से ज्यादा सेटअप करना चाहते हैं क्योंकि जिस सोसाइटी में हम एंटरप्राइजेज सेटअप करेंगे उस सोसाइटी को वो बिजनेस वेरियस टाइप के बेनिफिट्स देता है. जैसे कोई स्कूल ओपन कर दिया, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, या कोई हॉस्पिटल या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे दी, रोड बनवा दिए, ब्रिज बनवा दिए, तो इससे वो सोसाइटी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है. तो सोसाइटी को सोशल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, इसलिए वी वॉन्ट टू सेटअप मोर एंड मोर एंटरप्राइज. प्लीज एक बार बुक में देखें, कहता है एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. हमेशा एक एंटरप्रेन्योर चाहता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम क्या करें, अडॉप्ट करें एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस एट लोअर कॉस्ट. और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट सोसाइटी के लोगों को अवेलेबल कराए रीजनेबल कॉस्ट. लोअर कॉस्ट वर्ड बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है क्योंकि कोई भी बंदा लॉस बियर करके अच्छी क्वालिटी की गुड्स अवेलेबल नहीं कराएगा. रीजनेबल कॉस्ट पर वो क्या करना चाह रहा है, बेटर क्वालिटी की गुड सोसाइटी को अवेलेबल कराना चाह रहा है. बाय सेटिंग अप एंटरप्राइजेज इन बैकवर्ड एरिया दे ट्राई टू ब्रिंग बैलेंस रीजनल ग्रोथ. अगर एक एंटरप्रेन्योर बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री ओपन करेगा तो वो क्या करेगा, रीजनल डिस्पेरिटी के प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, यानी बैलेंस रीजनल ग्रोथ करेगा. एरिया वाइज इक्वल ग्रोथ होती है. बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दे सेव स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी. वो रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा और साथ ही साथ सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम करेगा तो ऑटोमेटिक सोसाइटी को कुछ सोशल बेनिफिट्स बिजनेस की वजह से मिल जाते हैं. और ये बात आप, ये पॉइंट्स जो है वो बच्चा अपने खुद से भी लिख सकता है. कोई जरूरी नहीं है कि जैसे बुक में लाइन या लैंग्वेज लिखी हुई है आप वैसा ही लिखो. ये कहता है नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आपको बिजनेस को सेटअप करने की प्रोसेस या ज्यादा से ज्यादा बिजनेस क्यों सेटअप करना चाह रहे हो, क्या नीड है, क्या जरूरत है. क्योंकि एक बिजनेस लाइफ लाइन है नेशन की. भाई एक नेशन तभी ग्रोथ कर पाएगा जब आप बिजनेस ज्यादा से ज्यादा सेटअप करोगे. बिजनेस नहीं होगा तो आपका नेशन भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा. जितने भी आज डेवलप कंट्री है, चाहे यूएस यूके, सब में मोर एंड मोर एंटरप्राइजेस थी तो वो इतना डेवलप हुई. समझ आ गया, अगर एंटरप्राइज नहीं होती तो वो नेशन भी डेवलप नहीं होते. सेकेंड इनोवेशन, भाई अगर आप एंटरप्राइजेस करोगे सेटअप करोगे तो ही नए नए इनोवेशंस होंगे. क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर है वो ट्राई करता रहता है नई टेक्निक, नए मेथड, नए आइडिया डेवलप करने के लिए. तो इसलिए न्यू इनोवेशंस करने के लिए हम एंटरप्राइजेस सेटअप करना चाहते हैं. इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी हम मोर एंड मोर एंटरप्राइजेस सेटअप करना चाहते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल चेंज होता है. एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को चेंज करता है और बिजनेस चेंज होगा तो सोसाइटी चेंज होगी, सोसाइटी चेंज होगी तो इकोनॉमी चेंज होगी. सबको समझ आ रहा है. उसके बाद कहता है इंक्रीज प्रॉफिट. एक एंटरप्रेन्योर हमेशा कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता है और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहता है ताकि प्रॉफिट क्या हो, इंक्रीज हो. इसलिए मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी हम वी वांट टू सेट अप मोर एंड मोर एंटरप्राइजेस. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सोसाइटी के लिए जनरेट करता है. ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इसलिए भी सेटअप करना चाहते हैं क्योंकि बिजनेस होगा तो ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी सोसाइटी के लिए और हमारी सोसाइटी को बेनिफिट्स अवेलेबल करने के लिए या सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी. वी वांट टू सेट अप मोर एंड मोर बिजनेस. और आपको पता है कितनी भी बैकवर्ड एरिया हो, अगर उस बैकवर्ड एरिया में आपने बिजनेस सेटअप कर दिया, उस बैकवर्ड एरिया में अगर आपने बिजनेस सेटअप कर दिया तो वो बैकवर्ड एरिया धीरे धीरे अपने आप ही डेवलप हो जाता है.
क्योंकि वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लीव ऑफ स्टैंडर्ड हाई होगा, अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिलेंगी, तो ऑटोमेटिक वो एरिया क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। एक बार प्लीज आप लोग बताना कि नीड और फीचर्स में किसी भी पॉइंट में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। फीचर्स का सेकेंड में कहता लोफुल एंड पर्पजफुल एक्टिविटी। प्लीज आवाज ली, कहता है एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ हम वो एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं जो लीगल होती है। इलीगल टाइप की कोई एक्टिविटी हम एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्लूड नहीं करते। समझ आ गया? और कोई पॉइंट नीड में कोई पॉइंट? ठीक है, ओके, थैंक यू।